दोस्तों आपको पता ही होगा सोयाबीन हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि सोयाबीन में बहुत भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग करने वाले बहुत से लोग अपनी डाइट में सोयाबीन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करते हैं। लेकिन आप जिस सोयाबीन को देखते हैं वो दिखने में एक चमकदार बीज की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसी सोयाबीन की बड़ी को देखते हैं तो वो एक स्पंजी सा क्यूबिक पीस दिखाई देता है, जिसे देखकर मन में ये ख्याल तो जरूर आता है कि आखिर ये सोयाबीन इस सोयाबीन के दाने से कैसे बना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सोयाबीन से सोया की बड़ी कैसे बनाई जाती है और कैसे इस बड़ी बनाने के प्रोसेस में सोयाबीन से तेल निकाल कर अलग कर लेते हैं। पूरा प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सोयाबीन की बड़ी बनाने के लिए इसका प्रोसेस खेतों से शुरू होता है। अब देखेंगे कि खेतों में सोयाबीन की फसल जैसे ही पक कर तैयार होती है उसे एक हार्वेस्टर मशीन के जरिए काट कर स्टोर कर लिया जाता है। बाद में इस मशीन से उन सोयाबीन के दानों को बारों में भरकर ट्रक में लाद कर उस फैक्ट्री तक लेकर आते हैं। ज्यादातर यही वो सोयाबीन होती है जिनसे बड़ी मात्रा में तेल और सोया की बड़ी बनाई जा सके, जिसके लिए फैक्ट्री या कहें कि सोया बड़ी या सोया तेल बनाने वाली कंपनियां पहले से ही किसानों से उनके सोयाबीन की खरीद कर लेती हैं। इसके बाद ट्रकों से सोयाबीन भरे बोरों को उतारा जाता है और फिर उसे सॉर्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। सॉर्टिंग प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं सोयाबीन के दानों को चुना जाता है जो कंपनी के मानकों के आधार पर अच्छी क्वालिटी का तेल और सोया बड़ी देने में सक्षम होते हैं। इस प्रोसेस में लगभग सारी ही सोयाबीन आगे के लिए निकल जाती है और जो बचता है उसे बाद में मार्केट में बेच देते हैं। अब सॉर्टिंग के इस प्रोसेस के बाद हमारे पास एक क्वालिटी सोयाबीन मौजूद है जिसे फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में स्टोर कर लेते हैं। अब इस स्टोर की हुई सोयाबीन को आगे फर्दर सप्लाई के लिए आगे भेजते हैं। सफाई को भेजने के लिए इन्हें ऐसी मशीनों से गुजारा जाता है जो इन्हें सोयाबीन में मौजूद अशुद्धियां जैसे कंकड़, पत्थर, पत्तियां, पेड़ के डंठल जैसी चीजों को सोयाबीन से अलग कर देती है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि बड़ी बनाने के प्रोसेस में ही सोयाबीन का तेल भी निकाल लेते हैं, इसलिए इस प्रोसेस में तेल निकालने वाली मशीनों को फैक्ट्री में इंस्टॉल किया जाता है। साफ हो चुकी सोयाबीन को अब आगे एक मशीन की मदद से दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके बाद इन टूट चुके सोयाबीन को आगे एक ऐसी मशीन में भेजते हैं जहां सोयाबीन के फ्लेक्स बनाए जाते हैं। ये मशीन उन टुकड़ों पर भारी मात्रा में प्रेशर लगाकर उन्हें बिल्कुल चपटा कर देती है। इसी प्रोसेस में सोयाबीन से उसका तेल अलग कर लिया जाता है, जिसे बाद में एक अलग सेक्शन में भेजकर बोतलों में भरकर उसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि हमारा वीडियो सोयाबीन बरी पर है, इसलिए हम वापस उस पर फोकस करते हैं। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि सोयाबीन के दानों से उसके फ्लेक्स को कैसे बनाते हैं। फ्लेक्स बन जाने के बाद सोयाबीन बरी बनाने का असली प्रोसेस शुरू होता है। होता कुछ यूं है कि इन सोया फ्लेक्स को आगे एक ऐसी मशीन में भेजते हैं जहां ये मशीन इनको पीस कर इन्हें लगभग आटे की शक्ल में तब्दील कर देती है और अब हमारे पास सोयाबीन का आटा मौजूद होता है। इसके बाद सोयाबीन के आटे को आगे एक और मशीन में डाल देते हैं जहां पर सोयाबीन के आटे को पेस्ट बनाकर उसे टूथपेस्ट की तरह ही मशीन से बाहर निकाला जाता है, जो कि एक लंबे रस्सी की तरह दिखाई देता है, जिसे कंपनी के निर्धारित शेप एंड साइज के हिसाब से काटते रहते हैं, जिससे कि हमें सोया बड़ी के क्यूब्स मिल सके, जिन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से सुखा लेते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर इन सोया बड़ी को रखकर एक गर्म कमरे में थोड़ी देर घुमाया जाता है। जैसे ही सोया बड़ी पूरी तरह तैयार हो जाती है, इन्हें वापस एक प्लेटफॉर्म की मदद से इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर निर्धारित वेट के हिसाब से अलग अलग पैकेट में इन्हें पैक करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, जहां एक मशीन नेट क्वांटिटी के हिसाब से सोयाबीन बरी को पैकेट्स में पैक करके उसे अलग अलग कर देती है और दूसरी मशीन इन अलग किए हुए पैकेटों को एक कार्टन में रख देती है, जिसे एक मजदूर अपने हाथों से उठाकर उस निर्धारित जगह पर रखता है जहां से ये कार्टन लोडिंग के लिए जाते हैं, जहां से वापस इन कार्टन को ट्रक में लोड करके दुकानों और सुपरमार्केट में पहुंचाया जाता है, जहां हम रंगीन पैकेट में छपे टेस्टी डिश वाले फोटो के साथ बिकने वाले सोयाबीन बरी हम और आप अपने घरों में खाने के लिए ले आते हैं, जिसके बाद हम इसको सब्जी से लेकर बिरयानी तक में इनका इस्तेमाल करते हैं। खाने में टेस्टी तो ये होते ही हैं, बल्कि साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। फायदेमंद कैसे होते हैं आइए जानते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा
फाइबर, मिनरल्स और फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी काफी कम होती है। साथ ही इसमें ना तो कोलेस्ट्रॉल होता है और ना ही लैक्टोज। इसी लिहाज से सोयाबीन सेहत के लिए फायदे की चीज है। सोयाबीन में आयरन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, कॉपर, पोटेशियम, जिंक और सेलेनियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। सोयाबीन हेल्दी वेट गेन और वेट लूज में भी मदद करता है, बशर्ते उसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो। सोयाबीन में फाइबर और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो वजन घटाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं। सोयाबीन डायबिटीज और हार्ट डिजीज की रोकथाम करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। इससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अब अगर सोया बड़ी की सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो सबसे बड़े लेवल पर न्यूट्रेला की सोया बड़ी ही देखने को मिलती है। जिसके अलावा आज भी इस प्रोडक्ट का ओपन मार्केट बहुत बड़ा है, यानी सोया बड़ी पैकेट्स के बजाय खुले में बिकता है। तो दोस्तों, ये थी सोया बड़ी बनने का पूरा प्रोसेस और सोयाबीन से होने वाले फायदे। अगर आपको भी सोयाबीन बहुत पसंद है या आप सोयाबीन को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल में ला रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।